भगवान बौद्ध ने 2500 साल पहले मन को निर्विकार और निर्विचार बनाने के लिए विपस्सना साधना की खोज की थी। यह बेहद कठिन साधनाओं में से एक है, क्योंकि इसमें जितने भी दिन इसको किया जाता है उसमें दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। इसमें केवल ध्यान ही किया जाता है। ऐसे ही 10 दिन की कठिन साधना सागर केंद्रीय जेल में कैदियों के द्वारा की जा रही है। कैदियों के आध्यात्मिक और सर्वांगीण विकास के लिए इसको कराया जा रहा है। इसकी वजह से अगर कैदियों के मन में नफरत, बदले की भावना या गुस्सा है तो मन का परिवर्तन किया जा रहा है। केंद्रीय जेल सागर में पहली बार इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। इस साधना को करने के लिए जेल परिसर के अंदर एकांत में बने वार्ड को चुना गया है, जिसमें 29 कैदी इस साधना को कर रहे हैं। साधना के दौरान इनके परिवार से होने वाली मुलाकात को बंद किया गया है। जेल के अंदर रहने वाले दूसरे कैदियों से भी मुलाकात और बोलचाल नहीं हो पा रही है। मेडिटेशन सेंटर द्वारा आयोजित किया गया है और कोई भी अच्छा काम कठिन लगता है, पर विपासना का जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पवित्र है। इसमें जो चीज़ वास्तव में होती है, अपने मन के अंदर की बुराइयों को दूर करके वो चीज़ें जो हैं वैसी देखने का इसका उद्देश्य है, इसका नियम है। इसके लिए हमने 29 बंदियों का चयन किया था, जिन्होंने स्वेच्छा से शिविर में आने का आवेदन दिया था, और साधकों के द्वारा, आचार्य लोगों के द्वारा 10 दिवसीय इस शिविर का आयोजन किया गया है, जो सफलतापूर्वक आयोजित हो रहा है। जो उनके अंदर अगर किसी प्रकार की नफरत की भावना है वो शांत होगी, किसी तरह की बदले की भावना होगी उनके अंदर, और अगर कोई क्रोध की भावना होगी तो विपासना का उद्देश्य ये है कि उनके मन को परिवर्तित करना है, और इससे उन्हें समाज की मुख्य धारा में जुड़ने में बहुत मदद मिले। और ये जो साधना है ये अंदर से अपने विकारों को निकालने की साधना है। ये दो काम एक साथ करती है, निर्विचार भी करती है और निर्विकार भी करती है। ये 10 दिनों तक हम अपने सारे इनकमिंग्स, जैसे मोबाइल है, न्यूज़पेपर है, बातचीत है, सारे इनकमिंग्स बंद कर देते हैं, तो वो जो वन वे ट्रैफिक है वो खाली हो जाता है। तो वन वे ट्रैफिक जब खाली हो जाता है तो फिर अंदर का कचरा निकलना शुरू होता है, जो कि साधक खुद महसूस भी करता है। भगवान बुद्ध ने इसको लगभग 2500 साल पहले इसकी खोज की थी, तब से अनवरत चल रही है, परंतु धीरे धीरे ये भारत में लुप्त होती गई, परंतु बाहर के अन्य देशों में इसे संभाल के रखा गया। तो 1969 में श्री सत्यनारायण जी गोयनका, जो हमारे प्रिंसिपल टीचर भी हैं, उन्होंने म्यांमार से इस विधि को इंडिया में लाया, और फिर यहाँ से लगभग 120 देशों में ये अभी काम कर रही है। और हम लोग कम से कम लगभग अंदाजन 2000 टीचर्स और हमारे असिस्टेंट्स लोग निःशुल्क सेवा देते हैं और जन सेवा के कार्यक्रम में लगे हुए हैं।